हेलो फ्रेंड, मैं रघुजनीश। आज आप लोगों को हेयर फॉलिंग के बारे में बात करेंगे। तो हेयर फॉलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से घबरा जा जाते हैं और मार्केट में जाकर तरह तरह मेडिसिन का उपयोग भी करते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम माई पॉइंट ऑफ व्यू हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों होता है इसे आप सर्वप्रथम जाने और इजी वे में जाने। जैसे हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम पहला तो धूलकण की वजह से हो सकता है, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है उसकी वजह से भी हो सकता है, जेनेटिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपका शरीर कमजोर है इसके वजह से भी हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब कारण है। तो हेयर फॉलिंग प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करें, तो इसके लिए कुछ नहीं, आप सर्वप्रथम खाना पर ध्यान दें, खाना पौष्टिक खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, किसी बात का ज़्यादा टेंशन नहीं लें। टेंशन से क्या होता है, टेंशन से ऐसा नहीं होता है कि टेंशन सॉल्यूशन किसी चीज़ का होता है, टेंशन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। एक्सरसाइज करें, खाना पौष्टिक खाएं और होम्योपैथिक मेडिसिन इसके साथ लें, आपका हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम एकदम पूरी तरह से ठीक होगा। लेकिन एक चीज़ हम आप लोगों को और कहेंगे, ये प्रॉब्लम कैसा है, जैसे जेनेटिकल भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए जेनेटिकल मेडिसिन दिया जाता है, दोस्त को देख करके मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। और क्या प्रॉब्लम है, पेट में क्या दिक्कत है, उसकी वजह से तो नहीं गिर रहा है, ये सब सारा प्रॉब्लम को देख करके मेडिसिन को दिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक होम्योपैथिक मेडिसिन बतलाएंगे जो सारे हेयर फॉलिंग के केस में बहुत ही बेटर काम करती है। आप थूजा मेडिसिन 1000 पावर में ले लें और सप्ताह में एक बार 2 बूंद खा लें। और उसके बाद एक मेडिसिन आती है, उस मेडिसिन का नाम है आर्निका। आर्निका मेडिसिन आप 200 पावर में ले लें, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम डेली कुछ दिन तक खाएं। एक खाने के बाद आपको हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक होगा। इसके साथ एक मेडिसिन और, आप जबरंडी क्यू मदर टिंचर ले लें और उसे बालों में जहाँ जहाँ है उसे आप लगाएं और ऐसे कर लें। जवरंडी क्यूब उसे भी ले लें। और मार्केट में बहुत तरह का शैम्पू मिलता है, तो शैम्पू में हम ये नहीं करेंगे कि आप होम्योपैथिक लें, एलोपैथिक लें, क्या लें, नहीं लें। जो शैम्पू आपको सेट करता है उस शैम्पू को आप ले लें, लेकिन सेट करता है बस वही शैम्पू आप लगाएं। तो आपको हेयर फॉलिंग का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ हम बताएंगे, जिस दिन आप मेडिसिन थूजा ले रहे हैं 1000 पावर, इससे आप सप्ताह में एक बार, क्या एक ही बार, बस जिन लोगों को फॉलिंग का प्रॉब्लम है बस एक बार थूजा 1000 पावर में बस एक बार एक खुराक ले लें, उस दिन और कोई मेडिसिन नहीं लें। अगले दिन से आर्निका मेडिसिन 200 पावर में शुरू कर दें और जब रंडी क्यू हेयर में लगाना शुरू कर दें। जो शैम्पू आपको सेट करता है वो शैम्पू आप ले लें। ऐसे तो होम्योपैथिक में भी बहुत सारे शैम्पू आती है, लेकिन वो आपकी मर्जी, जो शैम्पू सेट करता है वही शैम्पू आप लगाएं। और खाने में हरे पत्तेदार सब्जी का उपयोग करें, खाना पौष्टिक खाएं, एक्सरसाइज जरूर करें। और एक एक्सरसाइज है जो ये नाखून का एक्सरसाइज, इसे आप जरूर करें, आपको हेयर फॉलिंग का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि जो बाल गिरा हुआ है वो बाल भी वापस आ जाएगा अगर इतना काम आप करते हैं तो। थूजा मात्र एक बार 1000 पावर में 2 बूंद मात्र ले लें और उसे भी लें आधे कप पानी के साथ, 2 बूंद आधे कप पानी में 2 बूंद डाल दें और उसे बस ले लें, उस दिन और कोई मेडिसिन नहीं लें। अगले दिन से आप आर्निका मेडिसिन 200 पावर में लें, 4-4 बूंद, बच्चा जो है 2-2 बूंद खाएं जो कम एज का है, और जबरंडी की मदर टिंचर उसे आप हेयर में लगाएं। शैम्पू आपकी मर्जी है, जो लगाएं जो सेट करें।
ऐसे तो हम लोग बीजल कंपनी की आर्निका शैम्पू देते हैं, वो भी सेट करता है, लेकिन वो आपको हम नहीं थोपेंगे, वो तो अपना क्लिनिक पर पेशेंट को देखने के बाद शैम्पू को दिया जाता है। लेकिन ये तीन चीज़ कर जाने से आपको हेयर फॉलिंग की समस्या, हेयर में पतलापन वो भी दूर हो जाएगी, जो बाल आपका गिर चुका है वो बाल भी आपको लौट जाएगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।